राधा कौन थी? राधा, राधा और कृष्ण दो नहीं थे, एक थे। जैसे मिश्री का मिठास, अब कहो मिश्री खा लो, और मिश्री खा के आपसे पूछा जाए कैसे लगी तो क्या कहोगे? गुड़, गुड़ का मिठास एक है। राधा ना होती तो यमुना इतनी काली ना होती, राधा ना होती तो ब्रजगली इतनी निराली ना होती, प्यार की भाषा जानता ना कोई, राधा कान्हा को ऐसे मानता ना कोई। राधा शब्द ही आपको कृष्ण से जोड़ सकता है, राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा। 11.5 वर्षों तक भगवान ब्रज में रहे, इतने ही वर्षों तक किशोरी जी भगवान के साथ रही। ध्यान से सुनना, राधा कौन थी? 11.5 वर्षों तक प्रेम लीला ब्रज में की, 125 वर्षों तक भगवान का इस धराधाम पर वास रहा। एक बार कुरुक्षेत्र के मेले में मिले थे, 11.5 वर्षों तक किशोरी भगवान से अलग नहीं, ये दो नहीं ये एक है। और जब राम जी ने, अब त्रेता युग में आई है, जब राम जी ने माँ सीता को समाज में किसी धोबी भाई के कहने से, माँ सीता स्वयं गई है और 11.5 वर्षों तक भगवान से अलग रही है। जब अश्वमेघ यज्ञ किया तो वशिष्ठ जी कहते हैं गृहस्थ व्यक्ति पूजा में बैठे तो जोड़े के साथ बैठे। अब सीता तो है नहीं, क्या करे? सोने की प्रतिमा को बिठाया है, उसी में प्राण डाले हैं, सीता ने अपने प्राण डाले हैं। अब वो मूर्ति भगवान राम को इतनी प्यारी लगती, इतनी प्यारी लगती है, उसी को देखते रहते हैं। अगर मैं इसी को देखता रहा तो राजकाज के काम नहीं होंगे। उस मूर्ति को जल में प्रवाहित करते हैं तो सीता कहती है, प्रभु मुझको तो दूर कर दिया, दिल से इस प्रेम को कैसे दूर करोगे, इस समय को कैसे पूरा करोगे? तो भगवान कहते हैं ये 11.5 वर्ष का जो हमारा बिछो है, ये द्वारिका में, द्वारिका जब मैं द्वापर में जन्म लूंगा, वही 11.5 वर्ष प्रेम की लीला करके पूरे किए। और इतना प्रेम करते हैं राधा कृष्ण एक दूसरे से, इतना प्रेम करते हैं।